लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय द पास्ट परफेक्ट टेंस? Which action took place before the past, that is called past perfect tense. जो काम past से पहले हो चुका था उसे हम कहते हैं past perfect tense. जिसमें आपको कुछ example देता हूँ। जैसे आप मान लो bus stand पर गए बस के लिए, मैं bus stand पर पहुंचा, बस निकल चुकी थी। अक्सर students ही कहते हैं मैं stop पर पहुंचा, बस जा चुकी थी। ठीक है, अगर मान लो आप कहते हो मैं school पहुंचा, उससे पहले bell बज चुकी थी, यानी कि prayer की। Before I reached, the bell had रम, ओके। मैं उसे फोन करता, वो फोन स्विच ऑफ कर चुका था। बिफोर आई कॉल्ड ही हैड स्विच्ड ऑफ। यानी कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, हम इसे यूज कैसे करते हैं। जैसे मैं सो गया, ये तो पास्ट है, लेकिन मैं सो गया, मेरे सोने से पहले ही लाइट चली गई। बिफोर आई स्लेप्ट इज पास्ट, द लाइट हैड गॉन। मैं उसे कॉल करता, वो फोन स्विच ऑफ कर चुका था। यानी कि बिफोर आई कॉल्ड हिम He had switched off his mobile और her mobile। जैसे मैं उसे याद दिलाता लेकिन वो पहले से ही बता चुका था कि बताना नहीं है, ये काम किसी को नहीं बताना। Before I told him, he had spoken, he had told, ये भी बोल सकते हो। Before I reminded him, मैं उसे याद दिलाता, he has told, like this। So let's start। इसमें आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हेड लिखना है, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। सो डियर फ्रेंड्स, जैसे आप बोलेंगे आई हैड स्लेप्ट, मैं सो चुका था। शी हैड गॉन, वो जा चुकी थी। सर हैड टॉट, सर पढ़ा चुके थे। वी हैड लर्नड, हम सीख चुके थे। We had learnt English. You had told lie. कहीं जाना ये भी बोलते। They had come here. So dear friends and dear students, हमने present perfect tense में क्या किया था? Use of has और third form use की थी। But what we have to do in past perfect tense, had plus third form of the verb. जैसे कि देखिए, last time मैंने ये बात बताई थी आपको, come, came, third form होती है come. जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं invite, invited, invited. Give, gave, given. आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। सो प्लीज डू लर्न वर्ब्स ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं सारी वर्ब्स, वहां से भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये हैं आपके सिंपल सेंटेंसेस। नेगेटिव में हम क्या करेंगे? जस्ट नॉट पुट करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट had not, third form of the verb, at last object, like I had not called you, मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया था। She had not told me, या she had not informed me. I had not called you. Subject क्या है? I had not, third form, object. Simple में क्या है? सबसे पहले subject, you know very well. Subject का मतलब जिसके बारे में बात करते हैं, had आपका formula है, सबके साथ had लगेगा इसमें, ठीक है? क्योंकि past है। और third form of the verb, at last object. I had slept, she had gone. या आप अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, she had gone to market. Sir had taught this lesson, like this. Sorry for the disturbance. पीछे से जो है आपको
नेगेटिव भी क्या है, I had not called you, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था. सब्जेक्ट हैड नॉट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. शी हैड नॉट टोल्ड मी, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म नॉट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट शी हैड नॉट इन्फॉर्म्ड मी, यानी कि उसने मुझे सूचित नहीं किया था, सूचना नहीं दी थी. शी हैड नॉट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. क्लियर. जैसे दे हैड नॉट इनवाइटेड अस, उन्होंने हमें इनवाइट नहीं किया था. वी हैड नॉट कॉल्ड देम, तो हमने भी उन्हें कॉल नहीं किया था. सो डियर फ्रेंड्स, ये सिंपल है, ये नेगेटिव है. स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए. तो चलिए अब करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे हम, इसमें हैड पहले आ जाएगा, then subject, then third form of the verb, at last object. जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंपल सेंटेंसेस हम यूज करते हैं सिंपल सेंटेंसेस को बताने के लिए, यानी कि हाँ, क्या तुम स्कूल जा चुके थे? Yeah, I had gone. जब हम पूछते हैं तो क्या होगा? Had you gone to school? Yes, I had gone to school. Okay, क्या वो वहाँ पहुँच चुकी थी? Had she reached there? Yes, she had reached there. और नेगेटिव सेंटेंसेस हम करते हैं नॉट बताने के लिए. No, she had not reached there. Had you done your work? Yes, I had done my work. ये नेगेटिव. No, I had not done my work. So let's start the interrogative. Had you done your work? Had you called him? What had you done? Whom had she invited? When had you reached? Had they slept? Had she cooked food? Had you stolen money? Had he spoken lie? Had they punished you? Had he written stories? So dear friends and dear students, just have a look for the interrogative category. सबसे पहले had, फिर subject, third form object. Had सबके साथ had लगेगा. जैसे had you done your work, क्या आप अपना काम कर चुके थे? सबसे पहले had, subject, third form, your work, object. Had you called him, had, subject, you, third form, called him, क्या आप उसे कॉल कर चुके थे? What, जो WH family का आपको बताया था मैंने पहले याद है. What had you done, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं बना, आप क्या कर चुके थे? Whom had she invited? वो किसे invite कर चुकी थी? जैसे had she invited, simple interrogative. जब whom लगा देंगे तो वो WH family का word बन जाएगा. हमें नहीं पता उसने किसे invite किया था. When had you reached? तुम कब पहुंचे थे? या कब पहुंच चुके थे? या कब पहुंच गए थे? ये past perfect से पहले. Sorry, past से पहले past perfect है. जैसे मान लो मैं पहुंचा 7 बजे. तो आपने कहा मैं तो पहले पहुंच चुका था. अच्छा तुम कब पहुंच चुके थे? When had you reached? ठीक है, मैं पहुंचा था 7 बजे. मैंने बोला when did you reach? कहेंगे नहीं नहीं मैं तो आपसे पहले आ गया था. तो इसको ऐसे यूज करते हैं. When had you reached? I had reached.
Before you reached, I had reached already. You reached at 7, I had reached at 5. ठीक है, like this. Had they slept, क्या वो सो चुके थे? Had she cooked food, क्या वो खाना पका चुकी थी? Had you stolen money, क्या तुम पैसे चोरी कर चुके थे? Had she spoken lie, so had he spoken lie, क्या वो झूठ बोल चुका था? Had they punished you, जिस मान लो आप सफाई दे रहे हो, यार मैंने कोई गलती नहीं दी, लेकिन आपने सफाई दी नहीं दी, आपके सफाई देने से पहले ही वो आपको पनिश कर चुके थे, आपको चोर ठहरा दिए और आपकी पिटाई कर दी, ठीक है, या आपकी इंसल्ट कर दी. जैसे मान लो एक सेंटेंस है, किसी ने किसी की इंसल्ट की, तो कहेंगे यार मुझे सफाई देने का मौका ही नहीं मिला. दे हैड पनिश्ड मी बिफोर आई स्पोक, बिफोर आई गेव द एक्सप्लेनेशन, दे हैड पनिश्ड मी. सो लाइक दिस वी यूज दीज कंडीशनल सेंटेंसेस. ओके डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, हैड ही रिटन स्टोरीज, जैसे मान लो कोई काम दिया टीचर ने, की स्टोरी दी है, लिख लो. बिफोर शी गेव वर्क आई हैड रिटन, वो काम देते मैं उससे पहले ही कर चुका था. ठीक है, तो हमने सेंटेंस क्या बनाया, हैड ही रिटन स्टोरीज, क्या वो स्टोरी लिख चुका था, स्टोरी कर चुका था, यानी कि काम रिटन को बोलते हैं लिखना. थर्ड फॉर्म है ये, फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन. तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने तो ले लीजिए जल्दी से. Okay dear friends, thank you so much for listening to me attentively and carefully. So today we have done the past perfect tense.